राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला से भाग निकला। उसके सामने जो भी आया वह कुचला गया। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैला कर रख दिया। महाराज सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे वश में नहीं कर सके। वर्धमान को यह समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राज्यवासियों को आश्वस्त किया और स्वयं उस हाथी की खोज में चल पड़े। प्रजा ने चैन की सांस ली क्योंकि वर्धमान की शक्ति पर उसे भरोसा था। वह उनके बल और पराक्रम से भलीभांति परिचित थी। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिंघाड़ता हुआ भीषण वेग से दौड़ा चला आ रहा था, मानो उन्हें कुचल कर रख देगा। लेकिन उनके ठीक सामने पहुंचकर वह ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। महावीर ने उसकी आंखों में जागते हुए मीठे स्वर में कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नरक की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान के उस उपदेश ने हाथी के अंतर मन पर प्रहार किया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने सुंड उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर लौट गया। धन्यवाद।